अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी सी कॉटन फ्रॉक डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ये रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक वाइट चिकन से योग पैटर्न मैंने स्पेशली रमज़ान के लिए बनाई है। तो इस तरह की फ्रॉक की फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। इसके लिए हमारे पास 2 मीटर कॉटन फैब्रिक है और हमारे पास चिकन और लेस भी रेडी है। ये बड़े पने वाला कपड़ा है, मतलब 58 इंच वाला कपड़ा है। आप कपड़े को ओपन करेंगे और मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा, फोल्डेड साइड मेरी अपनी साइड है। 40 इंच इसकी लेंथ आ रही है, डबल है इसकी वजह से। अब इसको ओपन करेंगे और इसकी चौड़ाई की मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो 28 इंच इसकी चौड़ाई है डबल करके। इसको जब ओपन करेंगे तो 58 इंच का बना है। अब पहले टॉप पार्ट कट करके निकालेंगे। तो इसको 4 फोल्ड करेंगे और ऊपर से कपड़े को पहले सीधा करेंगे और 16 इंच पे एक मार्क करेंगे टॉप पार्ट की लेंथ के लिए। एक मार्क यहाँ पे भी करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को कट करके निकालेंगे। टॉप पार्ट के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब स्कर्ट पार्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को डबल करेंगे और इसको सेट करके रखेंगे। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट वाले कपड़े को 1 इंच करके ओवरलैप करेंगे और फ्रॉक की लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे। ऊपर से 1 इंच मार्जिन छोड़ करके, नीचे से भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ करके 40 इंच इसकी लेंथ आ रही है। 2 इंच हमने फोल्डिंग का रखा हुआ है, 40 इंच कंप्लीट लेंथ आ रही है इसकी। तो इससे हम स्कर्ट पार्ट की लेंथ बनाएंगे और स्कर्ट की चौड़ाई से कपड़ा बचा करके इसकी स्लीव्स भी बना लेंगे। तो अब इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं। इसको हमने डिवाइड कर लिया है। अभी इसको ओपन करेंगे और स्कर्ट की एक एक साइड से दोनों स्लीव्स कट करके निकालेंगे। तो दोनों पैनल को हमने ओपन करके रख लिया है। अब 16 इंच पे एक मार्क करेंगे स्लीव्स की लेंथ के लिए, मतलब कि दोनों पैनल से हम 16 इंच कपड़ा कट करके निकाल लेंगे स्लीव्स बनाने के लिए। अब इस कपड़े को पहले साइड करेंगे। स्लीव्स निकाल लेने के बाद अब इस कपड़े से स्कर्ट पार्ट बनाएंगे। तो इसको फिर से फोल्ड करेंगे और साइड में कर लेंगे। अब इस स्कर्ट की चौड़ाई 44 इंच बची है। अब इसको भी हम साइड करेंगे और टॉप पार्ट की मेज़रमेंट और कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट कपड़े को इतना फोल्ड करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। 21 इंच हमें चौड़ा कपड़ा चाहिए, तो 11 इंच पे मार्क करके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, 11 इंच तक हमने फोल्ड कर लिया है। 22 इंच चौड़ा में कपड़ा चाहिए। अब शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो 7 इंच विथ रखेंगे और 3 इंच नेक की विथ रखेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप करेंगे और 7 इंच आर्म और लेंथ के लिए मार्क करेंगे। दस इंच चेस्ट की विथ रखेंगे और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखेंगे और आर्म राउंड का शेप करेंगे। 9 इंच वेस्ट की विथ रखेंगे और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रख के इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। वेस्ट के पास से 1 इंच मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप में क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट की फुल कटिंग करेंगे।
एक पैनल में बैक नेक के लिए मार्क करेंगे, 3 इंच डीप बैक नेक के लिए मार्क करेंगे और राउंड शेप करके इसकी कटिंग करेंगे, और फ्रंट पैनल में फ्रंट आर्म होल के डीप मेजरमेंट करेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बाद में हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्कर्ट पार्ट से जो कपड़ा लिया था उससे हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने जो कपड़ा लिया है इसकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। 3 इंच डीप करके 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप करेंगे। 6.5 इंच पे मोरी के पास मार्क करेंगे और क्रॉस मार्किंग करके इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपने फ्रॉक की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कपड़ा चिकन वाला है, इसकी लेंथ की पहले हम मेजरमेंट करते हैं। तो 16 से 17 इंच लंबाई ये कपड़ा है। अब 8 इंच चौड़ाई पे एक मार्क करेंगे और एक मार्क इस साइड भी कर लेंगे और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब इस पे इस तरह से क्रॉस शेप बनाएंगे और इसको भी कट करेंगे। हम इसका योग जो बनाने वाले हैं वो हम क्रॉस कपड़े से बनाएंगे तो ही इसकी लुक अच्छी आएगी। अब इसको जब हम एक दूसरे पे इस तरह करके मिलाएंगे तो एक पीस जो है उल्टा हो जाएगा, एक पीस सीधा रहेगा, इसलिए हमें एक पीस दूसरे कपड़े से कट करेंगे और बाकी बचे कपड़े को कहीं फिर और एडजस्ट कर लेंगे। हमने दूसरा पीस कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो रहा है, दोनों पैनल जो है सीधा सीधा हो रहा है। अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस योग को टॉप पार्ट पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि नीचे से हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मतलब छोड़ के रखेंगे। और इस तरह की हमने प्लेकेट भी बना के रेडी कर लिया, आयरन से सेट कर ली। इसको इस प्लेकेट को टॉप के ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे और साइड साइड में ये वाली लेस भी अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के सेंटर पे जो क्रीज बनी है उस क्रीज के एक साइड से इस योक को अटैच करेंगे और दूसरी साइड दूसरी योक को अटैच करेंगे। और इस योक को जब हम अटैच करेंगे बिल्कुल बराबर और स्ट्रेट करेंगे, नीचे और ऊपर से कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी फिनिशिंग के लिए हमने टॉप फ्रंट पैनल के टॉप पार्ट के नीचे जो है पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया, मतलब कि फ्यूजी पेस्टिंग पेपर हमने पेस्ट किया है। बाद में इस पेपर को हम निकाल लेंगे। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालेंगे, बिल्कुल शोल्डर के बराबर में इसे कट करेंगे। अब जब हम यहाँ से लेस को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल साइड पे जा रही है, तो इसके लिए आधा इंच दोनों साइड से योक को कट करके बराबर करेंगे, फिर इसके बाद लेस को अटैच करेंगे। हम इस तरह लेस अटैच करेंगे कि साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन जो है वो मिल जाए, इसलिए हम योक को हल्का सा क्रॉस कट करेंगे।
योक अटैच कर लेने के बाद अब नेक की कटिंग करेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और 5 इंच डीप नेक के लिए मार्क करेंगे। 3 इंच चौड़ाई लेते हुए 5 इंच डीप राउंड शेप में नेक की मेजरमेंट करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। नेक में पाइपिंग लगाएंगे तो इसलिए पाइपिंग की कटिंग करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग कट करेंगे एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये योग पैटर्न फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। समर वियर के लिए स्पेशली रमज़ान के लिए हमने ये फ्रॉक बनाई है। आप इस पे वाइट शलवार या वाइट पैंट और वाइट दुपट्टे के साथ अलविदा जुमा को या जुमा को इसको पहन सकते हैं और रमज़ान में बहुत अच्छा महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एक आध बार जरूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।